नमस्कार जे के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है आज हम वर्क पाँच के गणित के पाठ भाग पर चर्चा करेंगे बच्चों मेरे पास एक समस्या है मेरे पास पांच चॉकलेट हैं और मुझे एक एक चॉकलेट बच्चों को बांटना है तो क्या बता सकते हो कि कितने बच्चों को बांटूंगा बिल्कुल सही पांच बच्चों को बांटूंगा यह तो बहुत आसान क्वेश्चन था बहुत आसान प्रश्न था अब एक और समस्या मेरे पास 250 रुपए हैं, और 50-50 रुपए करके मुझे कुछ व्यक्तियों को बांटना है तो क्या बता सकते हो कि कितने व्यक्तियों को मैं ये 250 रुपए बांट पाऊंगा थोड़ा मुश्किल है ना देखते हैं कैसे से हम इसका हल निकालेंगे इस समस्या का मेरे पास कितने हैं मैंने अभी जो कहा 250 रुपए पचास रुपये है न तो पहले व्यक्ति को मैं पचास रुपया मैंने दे दिया 250 हैं मैंने एक व्यक्ति को 50 दे दिया अब कितने बच गए मेरे पास दो सौ अब मेरे पास जो रुपये दो सौ हैं इसमें से फिर मैंने एक और व्यक्ति को पचास दे दिया अब कितने बच गए एक सौ पचास अब इस एक सौ पचास में से मैंने पचास फिर दे दिया एक व्यक्ति को ये बच गए एक सौ अब इस एक सौ में से फिर मैंने पचास एक व्यक्ति को दे दिया फिर पचास बच गए अब इस पचास को मैंने फिर एक व्यक्ति को दे दिया अब कितने बचे शून्य तो मेरे पास 250 थे 50 50 करके मैंने कुछ व्यक्तियों को बांट दिया और मेरे पास शून्य बच गए तो कितने व्यक्तियों को मैंने बांट दिया एक दो तीन चार पांच। अर्थात अगर पचास पचास रुपये मैंने बांटे तो कितने व्यक्तियों को बांट दिया पांच व्यक्तियों को इसको मैं इस तरह से लिखूंगा 250 भाग भागा भाग पचास बराबर पाँच यानी 250 को 50 50 करके मैंने बांटा तो पांच व्यक्तियों को बांट दिया एक और समस्या लेता हूं और स्पष्ट हो जाएगा इस बार एक हजार रुपये मुझे बांटने हैं और कितने कितने बांटने हैं प्रत्येक व्यक्ति को एक एक सौ रुपया तो मैं बांट रहा हूं देखते हैं एक हजार रुपये मेरे पास है मैंने एक व्यक्ति को दे दिया एक सौ रुपये अब बच गए नौ सौ अब पुनः ये बचे हुए 900 में से मैंने एक और व्यक्ति को दे दिया अब बच गए 800 इस 800 से फिर मैंने एक व्यक्ति को 100 दे दिया तो 700 अब इस 700 से मैंने फिर एक व्यक्ति को 100 दे दिया 600 इसी तरह से मैं बैठ बाट, बाँटते चल रहा हूँ सौ सौ रुपया ये हो गए पाँच सौ अब फिर मैंने दिया एक और व्यक्ति को 400 अब फिर दिया मैंने एक और व्यक्ति को तो ये हो गए 300 और इस 300 से फिर मैंने एक व्यक्ति को दे दिया तो हो गए 200 इस 200 से फिर मैंने 100 दे दिया 100 और ये बचे हुए 100 मैंने फिर एक और व्यक्ति को दे दिया अब मेरे पास कितने बचे शून्य यानी पैसा मेरा समाप्त हो गया तो एक हज़ार रुपये को मैंने सौ सौ रुपये करके बांटा, तो कितने व्यक्तियों को बांट दिया गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस अर्थात एक हजार रुपये को मैंने सौ सौ रुपये करके बांटा तो दस व्यक्तियों को बांट दिया इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं एक हजार भाग एक सौ बराबर दस इसे भाग का चिन्ह है ये है भाग का चिन्ह तो इस प्रकार हमने देखा कि भाग क्या है बार बार घटाने की क्रिया है उतनी बार हमने घटाया उतनी बार घटाना है जब तक कि शून्य ना हो जाए और जितनी बार घटाया वही उसका भागफल है उतनी बार घटाना है जब तक कि शून्य ना हो जाए और जितनी बार घटाया जितनी बार घटाया वही भागफल है तो इस स्थिति में हमने यहां देखा कि भागफल पांच है और इस स्थिति में हमने देखा कि भागफल दस है अब अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं अभी हमने कुछ दो प्रश्नों को हल किया था अब इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में हल करें पांच सौ भाग एक सौ दो हजार भाग पांच सौ एक हजार भाग एक सौ पच्चीस इस तरह से और भी प्रश्न हैं। तो जिस तरह से घटा घटा कर हमने अभी हल किया था उसी तरह से आपको भी घटा कर ये प्रश्न हल करते हैं अब एक दूसरे तरह का प्रश्न हम देखते हैं भाग दीजिए और बताइए कि शेष कितना है इससे पहले जो हमने किया था उसमें कहीं कोई शेष नहीं आ रहा था यानी कुछ बच नहीं रहा था शून्य बच रहा था अब एक ऐसा प्रश्न लेते हैं जहां देखते हैं कि कुछ बचेगा आ, ये है 1415 यानी 1415 भाग 200। तो इसको हम हल करते हैं 1415 घटाओ 200 तो ये बच गए 1215। 1215 घटाओ 200 ये बच गए 1015 और 1015 से 200 हमने घटाया तो ये बच गया 815 815 से 200 घटाया तो ये आ हो गए 615 और 615 से 200 घटाया तो हो गए 415 और 415 से हमने 200 घटाया तो हो गए 215 और 215 से हमने 200 घटाया तो आ गया 15 सॉरी ये पंद्रह अर्थात हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि चौदह सौ पंद्रह रुपये मेरे पास थे और दो दो सौ हमने बांटा तो लास्ट में हमारे पास बच गए पंद्रह तो ये जो पंद्रह बच गया इसे हम कहते हैं शेष जो बच गया शेष हो गया और कितनी बार हमने घटाया एक दो तीन चार पाँच छ सात है ना तो ये सात हमारा कहलाएगा भागफल तो भागफल हो गया कितना सात और शेष हो गया पंद्रह एक और समस्या यानी एक और प्रश्न हम लेते हैं एक खिलौना छप्पन रुपये में मिलता है तो 112 में कितने खिलौने मिलेंगे फिर उसी घटाने वाले प्रक्रिया से हम इसे हल करेंगे हमारे पास रुपए कितने हैं 112 और खिलौना का दाम क्या है छप्पन तो सबसे पहले हम एक खिलौने का दाम को इससे घटाते हैं 112 से छप्पन हमने घटाया तो आ गया छप्पन और छप्पन से पुनः हमने एक और खिलौना ख़रीद लिया तो हमारे पास पैसे बचे शून्य यानी पैसा समाप्त हो गया तो इस प्रकार हमने देखा कि 112 सौ मेरे पास थे तो कितने खिलौने मैंने खरीदे पहली बार एक खिलौने के पैसे दिए दूसरी बार फिर एक खिलौने के पैसे दिए तो मेरा पैसा समाप्त हो गया अर्थात मुझे कितने खिलौने मिले एक सौ बारह रुपये में दो खिलौने इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक सौ बारह भाग छप्पन बराबर दो और ये उत्तर हो गया दो खिलौने मिलेंगे। अब एक और उदाहरण देखते हैं ताकि ये और थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए यह प्रक्रिया पैंतीस रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1260 साठ में कितने किलोग्राम टमाटर खरीद सकते हैं तो कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे सबसे पहले वही घटाव वाली प्रक्रिया 1260 से हमने पहले एक किलो का दाम घटा दिया तो अब देखेंगे कितना हुआ 10 से 5 हुआ 5 और ये 5 से ही हुआ 2 और ये 12 यानी 1225 फिर 1225 से फिर 35 घटाएँगे और जो आएगा आप घटा के लिखेंगे और इस तरह से हम घटाते चलेंगे और जितनी बार घटाएंगे वही हमारा उत्तर होगा यानी उतना किलोग्राम हम टमाटर खरीदेंगे तो इस प्रश्न को आप खुद से अब आगे बनाएं और इसे इसका उत्तर निकालें आशा है कि भाग की इस बार बार घटाने की प्रक्रिया को आप समझ गए होंगे अब आप अभ्यास के प्रश्न जो पृष्ठ संख्या चौंतीस में दिए गए हैं इसे खुद से हल करें धन्यवाद